भारत विविधताओं का देश है। यहाँ देखने के लिए किले से लेकर पहाड़, जंगल, घाटियाँ, झीलें आदि मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर देश विदेश से लोग आते हैं। हमने आपको अब तक अपने वीडियोस में भारत की कई रहस्यमय जगहों के बारे में बताया है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ जो भी गया वहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द लेक ऑफ नो रिटर्न के बारे में। ये झील भारत वर्मा की सीमा के पास स्थित है, जिसे लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है, और ये झील कुछ रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। ये है भारत की भूतिया झील, जहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आ सका। ये झील भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि म्यांमार के नागाओं के सीमावर्ती शहर फनसुक के क्षेत्र में मौजूद है। ये क्षेत्र तंगासा जनजातियों का घर है। इस झील के नामकरण के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहां पर समतल जमीन समझकर आपातकालीन लैंडिंग की थी। परिणाम स्वरूप उसके हवाई जहाजों के साथ कई कर्मचारी अचानक गुम हो गए थे। तभी से इसे लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाने लगा। इस झील से जुड़ी हुई एक लोक कथा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, इसी दौरान एक युद्ध के बाद जापानी सैनिक वापस लौटते वक्त अपना रास्ता भटक गए। वो जब इस झील के पास पहुँचे तो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं इस झील के पास लेडो रोड पर काम करने वाले अमरीकी सैनिकों को झील का परीक्षण करने के लिए भेजा गया, तो वो भी वापस नहीं लौट सके। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि 1942 में ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह इस झील के पास मौजूद रेत में धंस गया था। इस झील के आसपास रहने वालों के मुताबिक काफी साल पहले इस झील के किनारे एक खुशहाल गांव हुआ करता था। एक बार गांव वाले जब मछली पकड़ने गए, तब जाल में एक बेहद भारी भरकम मछली फंस गई, जिसके बाद गांव वालों ने जलसा मनाया। लेकिन इस दावत में गांव की एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती शामिल नहीं हुई। उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही थी। वो दोनों जंगल की ओर भाग गई। कहा जाता है कि उसी रात पूरा का पूरा गांव इस झील में डूब गया था। अभी फिलहाल ये जगह भारत और बर्मा दोनों ही देशों के बीच आकर्षक पर्यटक स्थल बना हुआ है। काफी खोज के बाद भी इस झील के बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। इस जगह का खौफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी है। आप इस झील के आसपास दूर दूर तक किसी जानवर या पक्षी को नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोगों के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।